नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 16th of February 2021 के बारे में। 16 फरवरी 2021 आप सभी के लिए कैसा जाएगा, कहाँ पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आप सभी को करनी है, क्या चीज़ें करने से आप सभी को बचना है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम बात करेंगे अचूक उपाय की भी, जिसको करने से आप अपने दिन को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, किसी भी चीज़ को आप छोड़ ना दें ताकि आपका दिन खराब ना हो। ओके, चलिए बात करते हैं 16th of February 2021। सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ 16th of February 2021 बसंत पंचमी का दिन है। आप सभी को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये दिन जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकले और आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आइए अब बात करते हैं एनर्जी कैलकुलेशन की कि क्या कहती है एनर्जी 16th of February 2021। पहला जो नंबर आता है आपके पास 6+1 7 नंबर। कंबाइंड कैलकुलेशन अगर हम करें तो 16th of February 2021 7, 8, 9 + 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। फाइव नंबर आता है दूसरा हमारे पास 5, 4+1 = 5 नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि पहला नंबर जो है 7 नंबर केतु का नंबर, दूसरा नंबर 5 नंबर बुध का नंबर, मरकरी का नंबर। दिन कौन सा है आपका? दिन है आपका मंगलवार का दिन, ट्यूसडे का दिन, बसंत पंचमी का दिन है और बहुत ही शानदार यहां पर कैलकुलेशन निकल के आई है। जी हां दोस्तों, देखिए अगर हम थोड़ा सा यहां पर देखें तो बसंत पंचमी का दिन है, मंगलवार का दिन है और बुध का यहाँ पर कैलकुलेशन में आना, नंबर की जो कैलकुलेशन है उसके साथ मरकरी और केतु का इन्वॉल्व होना और गुरु का उदय हो जाना दो दिन पहले ही एक अच्छी सी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाता है। ग्रहों और नक्षत्रों की कैलकुलेशन के आधार पर ये ज़रूर दिखता है दोस्तों कि ये जो दिन है ये आप सभी के लिए अच्छा जा सकता है, बहुत ही शानदार यहाँ पर दिन जा सकता है। देखिए जहाँ पर इस तरह की कैलकुलेशन आ जाए वहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आप अच्छे दिशा में सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर आप खराब दिशा में सोचेंगे तो रिजल्ट खराब मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर आप सोचना क्या चाहते हैं, आखिर आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हैं और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वो दिन है दोस्तों जहां पर आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। ये वो दिन है जहाँ पर आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में योजना बना सकते हैं, आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में प्लानिंग करके उस प्लानिंग को आगे किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में भी सोच सकते हैं। जी हाँ, तो ये जो दिन है ये पूरी तरह से सोचने का दिन है, चीज़ों को समझने का दिन है, चीज़ों को परखने का दिन है और चीज़ों को आगे अच्छे डायरेक्शन में ले जाने का दिन है। एजुकेशन में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो ये दिन है जहाँ पर आप शुरुआत करें। करियर में अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो ये वो दिन है जहां पर आप शुरुआत करें, कोई नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आपको मिल सकती हैं, चांसेस बहुत अच्छे हैं दोस्तों कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें यहां पर देखने को ज़रूर मिले। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये जो दिन रहेगा ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहां पर जाता हुआ दिखाई देता है। एनर्जी कैलकुलेशन के हिसाब से आप सभी को डरने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रिलैक्स रहने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। दिन में बीच में थोड़ा सा ऐसा होगा, मूवमेंट ऐसा आएगा जहां पर आप नेगेटिव थॉट लेके आ सकते हैं, आप नेगेटिव सोच सकते हैं, बट मैं आप सभी से कहूंगा कि नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना ही खराब रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इसीलिए आप सभी को क्या करना है, पूरे दिन में आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देश और दुनिया के लिए भी दिन अच्छा जाएगा, पर देश और दुनिया में कहीं बातचीत होते होते बातचीत बिगड़ ना जाए, एक मेरे को ऐसा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर एक अच्छे लेवल पे अगर बातचीत होती होगी यहाँ पर तो चीज़ें अच्छी होंगी, एक समाधान निकलने का दिन है ये, बातचीत से समाधान निकलने का दिन है, बातचीत से चीज़ें अच्छी करने का दिन है ये। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर देश और दुनिया में भी कहीं कुछ अच्छा होता हुआ हमें ज़रूर दिखाई देगा और बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जो पुराने मुद्दे चल रहे हैं उसमें एक अच्छी यहाँ पर शुरुआत होते हुए हमें दिख सकती है। यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं राशियों की, तो राशियों के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। वैसे सभी राशियों के लिए अच्छा दिन है, देखिए किसी के लिए भी खराब नहीं है, बट मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि
केंद्र के राशियों के लिए थोड़ा सा एडवांटेज लेगा और धनु राशि और मीन राशि के लिए भी थोड़ा सा फायदेमंद यहां पर दिन रह सकता है। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहां पर नंबर्स की अगर कैलकुलेशन देखें दोस्तों, तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 9 इन सभी के लिए ठीक है। यहां पर अल्फाबेट्स की अगर कैलकुलेशन देखें दोस्तों, तो अल्फाबेट्स के हिसाब से आप देखिएगा, ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट, एफ अल्फाबेट, जी अल्फाबेट, एच अल्फाबेट, आर अल्फाबेट और जेड अल्फाबेट के लिए सभी के इनके लिए दिन जो है वो अच्छा यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। बाकी सभी के लिए थोड़ी सी आपको रिलैक्स रहना है, शांत रहने की यहाँ पर जरूरत है। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं अचूक उपाय के बारे में। क्या अचूक उपाय आपको करना है जिससे कि आपका समय अच्छा जाए और आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर ना हो? अचूक उपाय बताने से पहले आप सभी को बताऊंगा दोस्तों कि ज्योतिषन वास्तु अगर टेलीग्राम का चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्योतिषन वास्तु टेलीग्राम चैनल लिखिए और ज्वाइन कर दीजिए इस चैनल को, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने ज्योतिष सीखनी है, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरा बेसिक का बैच स्टार्ट हो रहा है वापस से यहाँ पर, और इसी मंडे से, आने वाले मंडे से मैं बेसिक का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए ताकि आप क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ और आपकी क्लासेस छूट ना जाए। ओके, 3 महीने का बेसिक कोर्स होगा, ज़्यादा डिटेल के लिए मुझे व्हाट्सअप करें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको क्या उपाय करना है जिससे कि आपको फायदा मिले। उससे पहले मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप सभी के लिए फायदेमंद होते हैं, नेगेटिव मत लीजिएगा मेरे उपायों को, पॉजिटिव लेके उनको करने की कोशिश करिएगा तो आपको अच्छा फायदा देखने को जरूर मिलेगा। क्या उपाय करने हैं लिखना शुरू करिए। देखिए बसंत पंचमी का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है तो डेफिनेटली हमें गुरुदेव को याद करना ही करना है। दिन की शुरुआत ही देवगुरु बृहस्पति को याद करते हुए करें, माँ सरस्वती को याद करते हुए करें तो आपको अच्छा फायदा देखने को जरूर मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कम से कम 21 बार सुबह सुबह इस मंत्र का चांट जरूर करें। नहाने के बाद करें, 12 बजे से पहले पहले करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी पूरे दिन में जब भी मौका मिले अपने मन में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का चांट चलने दें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। सुबह सुबह उठ के भगवान सूर्य के दर्शन जरूर करने हैं आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह उठ के सूर्य की एनर्जी लीजिए अपने ऊपर, अपने शरीर पर थोड़ी धूप आने दीजिए, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिए। जिस पानी से आप नहाते हैं उस पानी में आपको हल्दी मिला के जरूर स्नान करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गंगा जल अगर आपके पास है तो थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, पवित्र नदी का जल मिला दीजिए और साथ ही साथ आपको हल्दी जरूर मिलानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद पीले कलर के वस्त्र धारण करें, क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें, व्हाइट कलर के भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं और लाल कलर के भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, ये आप सभी के लिए अच्छे रहेंगे। इसके बाद भगवान के मंदिर में पूजा जरूर करनी है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और हल्दी का टीका अपने माथे पर जरूर लगाना है, हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाना है, इससे भी आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, शाम के समय में, बसंत पंचमी के दिन शाम के समय में आपको क्या करना है, आपको एक घी का दिया लगाना है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में अपने घर पर एक घी का दिया लगाना है, उस दिए के अंदर थोड़ी सी कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा। घी के अंदर आपको क्या करना है, बहुत मामूली सा कुमकुम और बहुत मामूली सी हल्दी मिला के आपको उस घी का दिया शाम को लगाना है, ये काम आपको करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़, अगर मोर पंख आप अपने पास पूरे दिन रख पाएं या जहाँ पर भी आप घर पर बैठें आप मोर पंख को ऐसी जगह रखें कि आपको पूरे दिन में 2-3 बार तो वो दिख ही जाए, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके वर्क प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, एक मोर पंख ले जाके आप वहाँ पर रख दीजिए, इससे भी आपको वहाँ पर अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। तो मोर पंख का बहुत अच्छा महत्व है। और साथ ही साथ एक चीज़ और जो क्या करनी है आपको, आपको कुछ पीला भोजन बना के ज़रूर खाना है। जी हाँ, कुछ पीला भोजन बना के या खीर बनाएं, उसमें केसर मिलाएं और वो ज़रूर खाएं, माँ सरस्वती को प्रसाद चढ़ाएं पहले, उसके बाद उसका सेवन करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये आप खाएंगे कल तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देखने को जरूर से मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी अगर सीखनी है तो बैचेज में स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप भी सही समय पर एस्ट्रोलॉजी सीख पाएँ। धन्यवाद।